Hi, Professor Bhavesh Kumar Chauhan. Once again, welcome you in course code KWE 302 Electrical Measurement and Instrumentation. Last time we were discussing regarding instrument transformer, and particularly we were discussing the testing transformer. We just initiated that discussion, so we will continue from that point, and then uh, after reviewing and discussing the testing of transformer, which is a very important process. वी विल ऑल्सो डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड देन वी विल इनिशियट ऑन न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल भी आज शुरू करेंगे डिस्कशन करना जिसको कि अगले टर्न पर भी अगले जो चर्चा हमारे आगे होगी उसको जारी रखेंगे सो टुडे इन दिस इंट्रैक्शन वी विल ऑल्सो इनिशियेट विद द न्यूमेरिकल्स विच विल बी ए डिटेल्ड डिस्कशंस इन फॉलोइंग लेक्चर ऑल्सो

एकेडमिक परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एग्जामेशन्स लिए जाते हैं चाहे वो सेशनल uh, हो चाहे मेन एग्ज़ाम हो होम असाइनमेंट हो प्रोजेक्ट हो सेमिनार्स हो उसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को भी अलग अलग टेस्टिंग मेथड से आप उसके एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक रेशियो एरर और फेज एंगल एरर सो बेसिकली अगर ब्रॉडली कहें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वन इज़ एन एब्सोल्यूट टेस्टिंग एंड अनदर इज़ कंपेरिजन टेस्टिंग विच वी डिस्कस ब्रीफली इन लास्ट डिस्कशन ऑल्सो लेकिन आज उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे सो मैथर्स फॉर एक्सपेरिमेंटली टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफॉर्मर इज़ वट यू कॉल द टेस्टिंग सो फाइंडिंग देयर रेशियो एंड फेज एंगर दैट इज द होल पर्पज ऑफ द टेस्टिंग सो इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स वन इज द अब्सुलट मैथर्ड टेस्टिंग अनादर इज द कंपेरिजन मैथड टेस्टिंग

और एक होता है कि आप उसी को जस्ट रीड आउट करें विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फ़ॉर एग्जांपल, इसका साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं कि एक इंसान है आपने उसको मीटर से उसकी हाइट को मेजर किया इट इज़ सिक्स पॉइंट वन इंच और सिक्स फिट वन इंच उसके कद को जाना और दूसरा ये है कि आपको मालूम है कि दूसरे इंसान की हाइट जो है वो सिक्स फिट है और आपने उसके बराबर में खड़ा किया और एक अंदाजे से आपने देखा कि ये वन इंच ज़्यादा है और छः फिट वो पहले से जो दूसरा आदमी उसके साथ खड़ा हुआ है उससे आपने उसको जज किया सो दैट इज़ ए कंपैरिज़न मैथड बेसिकली सो एब्सोल्यूट मैथड्स आर डेफिनेटली हैव सर्टन लिमिटेशन बट दे गिव यू रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट रिजल्ट बट इवन द कंपेरिजन मैथड्स देर ऑल्सो नॉट सब स्टैंडर्ड दे सेमी स्टैंडर्ड मैथड्स बिकॉज द ट्रांसफार्मर विच वी यूज फॉर द कंपेरिजन पर्पज इज ऑल्सो स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर ना ईच ऑफ दिस टू मैथड्स कैन दे कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड बाई डिफरेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट टेक्नीक एम्प्लॉयड तो मेजरमेंट टेक्नीक के बेस पर अगर हम देखें तो हम इसको अगेन दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं वन इज द डिफ्लेक्शन मैथड्स इन दीज मेथड्स बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज एज ए मैकेनिज्म टू रीड आउट द वैल्यूज़ फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोडाइनोमीटर, वाट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटीज रिलेटेड टू फेज़र ओके अंडर कंसिडरेशन सो यानी कि आप पॉइंटर का उसमें मैकेनिज्म होगा आप पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड को रीड कर पाएंगे और टू और टू देयर डिफ्लैक्शंस सो द रिक्वायर्ड रेशियो एंड फेज एंगल्स आर देन फाउंड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द तो जो फेज़ एंगल है या रिक्वायर्ड रेशियो हैं दे आर यू यू एबल आर एबल टू डिटरमाइन और यू आर एबल टू फाइंड दैम आउट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन एंड दीज मेथड्स मे बी मेड डायरेक्ट रीडिंग इन सम केसेस कुछ में आप डायरेक्टली भी रीडिंग uh, कर सकते हैं बिकॉज पॉइंटर मैकेनिज्म इज देयर और इंडिकेशन मैकेनिज्म इज़ देयर ओके देर इज अनदर कैटेगरी विच इज ए नल मैथड्स सो इट इज़ ऑल्सो ए मेजरमेंट टेक्निक्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस यूनिट्सो सो दीज मैथड्स बेसिकली दे यूज़ ए नेटवर्क ओके इन विच अप्रोप्रिएट फेजर क्वान्टिटीज आर बैलेंस्ड सो वर्ड बैलेंस्ड इज द की वर्ड बैलेंस अगेंस्ट वन अनादर तो आप इसमें बैलेंसिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं आपको याद होगा वीट स्टोन ब्रिज में हम क्या करते थे हम नल पॉइंट पे देखते थे कि यस जो अपोजिट रेशियो आर्म्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ सेम दैट इज जेड वन जेड फोर इक्वल टू जेड टू जेड थ्री यू रिमेंबर और अगर केवल रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देन वी यूज़ टू से लाइक आर वन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री और आर वन अपॉन आर फोर इजल टू दस यू नो आई होप यू रिमेंबर दैट दैट आर वन आर फोर इज इक्वल टू आर टू आर थ्री

ओके सो इफ द थ्री पैरामीटर्स आर नोन देन इवेंचुअली यू कैन कैलकुलेट द अन फोर्थ नोन पैरामीटर्स ओके सो दिस मेथड्स मे बी मेड डायरेक्ट रीडिंग आल्सो इन टर्म्स ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल्स ऑन द एडजस्टमेंट एडजस्टेबल एलिमेंट्स इन द नेटवर्क तो ये भी डायरेक्ट स्केल पे किए जा सकते हैं यू नो आप रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन की मदद से बिकॉज ऑल अदर पैरामीटर्स आर नोन टू यू नो ऑफकोर्स टेस्टिंग दीज मेथड वी हैव नो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं इनफैक्ट अगर हम देखें तो सिली आई थिंक आई विल गो विद दिस इनफैक्ट टेस्टिंग ऑफ करेंट ट्रांसफॉर्मर अगर आप इसमें देखें तो डिफरेंट और भी टेक्निक्स है जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस मेथड uh, जो है वो एक तरीका है मैकेनिज्म और दूसरा सिल्स भी मैथड है ओके दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दैट इज़ करेंट ट्रांसफार्मर करेंट ट्रांसफार्मर के मेजरमेंट के लिए हैं और तीसरी टेक्निक है आर्नॉल मैथड तो आर्नॉल मैथड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स बाई विच यू कैन मेजर द रेशियो एरन एंड द फेज एंगल एरर फॉर द करेंट ट्रांसफार्मर सिमिलरली पोटेंश टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के लिए भी तीन मेथड्स हैं एब्सिलूट नल मेथड तो कॉमन है ही देन मेथड्स ऑफ इम्प्लॉइंग कैपेसिटेंस डिवाइडर्स सो दिस इज आल्सो वैन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और क्लोदियर एंड मेडिना कंपेरिजन मैथड्स सो दैट इज ए कम्पेरिजन मैथड्स ओके क्लोदियर एंड मेडिना मेथड्स तो इसकी डिटेल्स आप फर्दर देख सकते हैं जिनका फर्दर इंटरेस्ट है यहाँ क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल के बेस में हम इसकी कन्फिग्रेशन को आगे इस्तेमाल करेंगे तो ये ये छः के छः मैथड जो आप देख रहे हैं बेसिकली दे आर दे कैन बी फिट इन टू द टू ग्रुप्स इधर एब्सोल्यूट और कंपेरिजन मैथड्स एज यू कैन सी हियर एप्सलूट नल मैथड एंड दिस कंपेरिजन मैथड ओके और यू कैन ऑल्सो अगेन री क्लासीफाई दैन दीज सिक्स कैटेगरीज इन टू द इंडिकेटिंग और यू यू कैन से देट यू नो इंडिकेटिंग मैथड्स और ये यू नो नल टाइप मेथड डिफ्लेक्शन मैथड और नल टाइप मेथड तो ये इन छः में आप मूलभूत अगर देखें तो या तो वो डिफ्लैक्शन मैथड हैं या फिर वो जो है नल टाइप है और या वो एप्सल्यूट मेजरमेंट कर रहे हैं या वो बैलेंस टाइप है तो इनकी स्कीम्स को आप फदर देख सकते हैं uh, ट ऑफ टाइम हियर आई वुल ओनली इंट्रोड्यूस यू टू दिस नंद इनकी कंफिग्रेशन को हम आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे देयर वी मे टच अपन दिस इशूज एज पर द रिक्वायरमेंट सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यू नो द यस लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर Uh, previously, we discussed uh, in previous lectures regarding the characteristic current transformer. Now we are discussing about the potential transformer. So, in characteristic, first is the effect of secondary current or uh, volt ampere uh, in, in, the, in the performance of the potential transformer. Another there is also an effect of uh, the power factor of secondary burden, okay? like in current transformer, we consider this to be first, first parameter.

Uh, जो क्या होता है वो या तो वोल्ट मीटर होगा या फिर कोई रिले सर्किट वहाँ कनेक्ट होगा या फिर वोल्टेज कॉयल होगी किसी वाट मीटर की तो वहाँ पे अगर आपने बर्डन को बढ़ा दिया इफ यू इंक्रीज़ द लोड देन द सेकेंडरी करंट ऑब्वियसली विल बी इंक्रीज ओके एंड इफ दिस सेकेंडरी करेंट इज इंक्रीज देन देयर फॉर द प्राइमरी करंट विल ऑल्सो इंक्रीज़ क्योंकि अगर आई एस बढ़ रहा है तो वो कहाँ से फीड होगा बिकॉज पावर इज़ नैदर क्रिएट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड तो इफ़ यू हैव टू फीड मोर बर्डन

तो ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेंगे सिमिलरली दैट होल्ड्स ट्रू फॉर आई एस ऑल्सो तो आई एस के केस में भी जो ड्रॉप्स होंगे लेट्स से आई एस आर एस प्लस जे आई एस एक्स एस दिस दिस विल ऑल्सो सो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप्स विल ऑल्सो इंक्रीज इफ सेकेंडरी करंट इज इंक्रीजिंग आई रिपीट देन प्राइमरी करंट ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज एंड इफ बोथ दिस करेंट्स आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ड्रॉप विल ऑल्सो इंक्रीज सो इफ वोल्टेज ड्रॉप्स आर इंक्रीजिंग देन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वी पी प्राइमरी वैल्यू अगर फिक्स है आपकी देन द वैल्यू ऑफ वी विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ क्योंकि आप समझिए कि वी जो वी है वी में जो ड्रॉप्स आते हैं उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ई मिलता है ई का टर्न रेशियो में चेंजेस आता है ई बनता है ई में फर्दर ड्रॉप आते हैं तो आपको फिर वी मिलता है तो ऑटोमेटिकली अगर आपका आई इंक्रीज़ हुआ आई इंक्रीज़ हुआ वोल्टेज ड्रॉप्स बढ़े तो क्या होगा वी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वी फिक्स है और जितने भी ड्रॉप्स आते हैं प्राइमरी साइड पे उसके बेस पे आपको ईपी मिलता है ईपी से फिर ईएस मिलता है ईएस में फिर फर्दर ड्रॉप्स आते हैं फर्दर ड्रॉप्स के बाद आपको क्या मिलता है वीएस तो आईपी बढ़ने से क्या हुआ सीधा आईपी या आईएस बढ़ने से क्या हुआ आईएस बढ़ने से क्या हो गया आपका वीएस ड्रॉप हो गया तो यानी कि अगर हम इसकी समरी लिखें तो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन आई द इंक्रीज इन आई इट विल लीड टू डिक्रीज इन वी

तो आर माइनस एन बढ़ जाएगा देन विद द इंक्रीज इन द बर्डन तो इंक्रीज़ इन बर्डन से क्या होता है रेशियो एरर इंक्रीज़ कर जाती है सो दिस वेरिएशन ऑफ रेशियो एरर इज़ ऑलमोस्ट लीनियर विद द चेंज इन बर्डन तो ये जो रेशियो एरर है दैट इज़ लीनियर यानी कि जैसे जैसे आपका बर्डन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेशियो एरर बढ़ेगी इसका मतलब सेकेंडरी पे अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए यानी कि आप इसको समझना होगा कि अगर बर्डन इंक्रीज कर रहा है तो आपकी रेशियो एरर भी प्रोग्रेसिवली लीनियरली इंक्रीज करेगी लाइक दिस वे ओके सो विद रिगार्ड टू द फेज एंगल अगर हम रेशियो एरर से अब एंगल पे आ जाएं तो विद रिगार्ड रिंगल्टेज वीपी जो प्राइमरी का वोल्टेज है इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप्स विद द इंक्रीज इन सेकेंडरी बर्डन क्योंकि सेकेंडरी बर्डन ऑटोमेटिकली अगर बढ़ रहा है तो आपको मालूम है वोल्टेज ड्रॉप्स भी बढ़ेंगे और वोल्टेज ड्रॉप्स बढ़ेंगे तो वी क्या है कम होता चला जाएगा तो वीपी अगर हम देखें फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ज्यादा एडवांस होगा दिस विल बी अहेड सो अगर वी को रिवर्स कर लें क्योंकि जो कम हुआ है माइनस है लेकिन आप फेज में क्या है रिफर करते हैं किसकी तरफ प्राइमरी की तरफ तो प्राइमरी की तरफ जब वी को आप रिफर करते हैं तो उसको रिवर्स कहते हैं यानी कि अगर वो नीचे के प्लेन में आ रहा है तो आप क्या करेंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे रिवर्स में ट इज रिवर्स बिकॉज यू रिफर इट टू द प्राइमरी सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वीएस एस रिवर्स्ड इज रिटार्डेड तो वो भी क्या होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वीएस आपका ड्रॉप कर रहा है तो so, ये भी जो है वो ऊपर जाके आप रिफर भी करेंगे तो उसमें वो रिटार्डेशन दिखाई देगा इन फेज तो वो लैक करेगा ओइंग टू द इंक्रीज इन सेकेंडरी बर्डन सेकंडिंग वोल्टेज ड्रॉप्स क्योंकि सेकंडिंग वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ रहा है तो दस विद द इंक्रीज इन बर्डन द फेज एंगल बिटवीन वीपी एंड वी एस अगर वीपी और वी एस का देखें वी एस बी रिवर्स्ट याद रखिएगा क्योंकि आपने प्राइमरी की तरफ रेफर कर दिया है सेकेंडरी को तो वी पी और वी एस रिवर्स के बीच में अगर देखें तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है ओके इंक्रीज विद द कमिंग बोर नेगेटिव तो क्या है वी पी एडवांस है वी एस रिवर्स जो है वो पीछे है और वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा अगर आप बर्डन को बढ़ा देंगे ओके सो दैट

ना इफेक्ट ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी बर्डन अगर पावर फैक्टर का इफेक्ट देखें द तो पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी सर्किट बर्डन इज रिड्यूस्ड तो अगर हम उसके पावर फैक्टर को रिड्यूस कर दें यानी कि को रिड्यूस कर दें सेकेंडरी बर्डन के पी को देन एंगल डेल्टा इज इंक्रीज तो उससे क्या होगा डेल्टा जो एंगल है वो इंक्रीज कर जाएगा डेल्टा एंगल क्या है डेल्टा एंगल इज बेसिकली टेन इनवर्स टेन इनवर्स यू uh, नो you know, जो सेकेंडरी पे जो आपका बर्डन का सर्किट है ओके okay, तो बर्डन सर्किट पे क्या है उसका एक रिएक्टेंस होगा एक्सटर्नल और उसका एक रेजिस्टेंस होगा आर एक्स सी अपॉन आर सी इज वट सी इज द रिएक्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल बर्डन्स ओके सर्किट एंड वट इज आर ई आर इज द रजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल बर्डन सर्किट तो उसका जो टेन इनवर्स लेते हैं दैट इज डेल्टा तो अगर पी एफ को हम रिड्यूस करेंगे तो ये डेल्टा जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है डेल्टा इज इंक्रीज दिस मेक्स करंट आई पी वट इज आई पी आई पी इज द प्राइमरी करंट तो वो क्या करता है उस प्राइमरी करेंट को इट हेल्प इट टू शिफ्ट टुवार्ड्स द करेंट आई नॉट तो ये आई पी को आई नॉट की तरफ ए, शिफ्ट कर देता है यानी कि दोनों के गैप का गैप कम हो जाता है बेसिकली ये तो रिजल्टेंट वैक्टर्स हैं तो ऐसा नहीं कि कोई मूवमेंट है मैग्नीट्यूड की वजह से ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी यानी कि जो नो लोड करंट है विच इज आई नॉट ये आई के क्लोजर आएगी जो एंगल है दोनों के बीच का वो रिड्यूस हो जाएगा ओके वेन इट इज विल बी रिड्यूस वैन द पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी बर्डन इज रिड्यूस वैन दिस पावर फैक्टर इज रिड्यूस सो द वोल्टेज वी पी एंड वी एस द कम्स मोर नियरली इन टू फेस विद ई पी और ई एस ओके तो उससे क्या होगा कि पावर फैक्टर अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो ये जो ई और ई के जो हैं वो वी और ई क्लोज़र हो जाएंगे ये दोनों क्लोज़र हो जाएंगे यानी कि ड्रॉप्स उनके कम हो रहे हैं पीछे ठीक है तो आ, क्या होगा पावर फैक्टर रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो वेक्टर्स के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं तो जो वी के ई नज़दीक आ जाएगा और वी के जो है वी जो है वो ई के नज़दीक आ जाएगा क्योंकि याद रखिए वी से ई बनता है वोल्टेज रिड्यूस को अगर घटा दें ओके वी से रिड्यूस होकर वोल्टेज ड्रॉप को अगर आपने माइनस कर दिया यानी कि वी में से आपने वोल्टेज ड्रॉप्स घटा दिए कौन से वोल्टेज ड्रॉप घटा दिए यानी कि आई और जो आपके आर प्लस एक्सपी हैं जे एक्सपी ठीक है JXP, तो ये माइनस कर देते हैं तो उससे ई मिलता है और फिर ई से आपका ई एस जनरेट होता है टर्न रेशियो के हिसाब से और ई एस में से अगर फायदर माइनस कर दें आप वोल्टेज ड्रॉप्स को तो क्या मिल जाता है आपको ई एस मिल जाता है ई एस से वी एस मिल जाता है ओके okay? यानी कि ई एस माइनस आई एस और ये आपका आर एस प्लस जे एक्स एस दैट यू आर फैमिलियर विद इन फर्स्ट फर्स्ट ईयर ऑल्सो तो ई एस में से आप क्या करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को अगर घटा दें तो आपको इवेंचुअली वी एस मिल जाता है तो so, ये आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंड डिवाइंडिंग ओके तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम पावर फैक्टर को रिड्यूस करेंगे तो ई पी जो है वो वी पी के नज़दीक आ जाएगा ठीक है और जो वी एस है वो भी ई एस के नज़दीक आ जाएगा ओके सो दे बिकम्स नियरली इन टू फेज देयर फेज एंगल डिफरेंस रिड्यूस रेस्पेक्टिवली ओके एंड सिंस द वोल्टेज ड्रॉप्स आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट क्योंकि आपने पी एफ को एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रख लिया इट इट इज नॉट वेरिंग सो देन वोल्टेज ड्रॉप विल ऑल्सो स्टेबलाइज एंड द रिजल्ट दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वी पी रिलेटिव टू द ई पी अगर ये स्टेबलाइज हो गए द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन वी पी विद रेफरेंस टू द ई पी ओके बट इफ वीपी इज कांस्टेंट अगर आप वीपी आपको कांस्टेंट ले लें देन ईपी रिड्यूसेस रिलेटिव टू वीपी ओके याद रखिए कि वीपी से आप वोल्टेज ड्रॉप को जो माइनस करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है ओके वी पी से आपने वोल्टेज ड्रॉप को माइनस किया तो आपको क्या मिलता है ई पी तो अगर वीपी को कॉन्स्टेंट ले लिया तो वोल्टेज ड्रॉप अगर वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा आपका ई पी पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा सो द वोल्टेज वी एस इट रिड्यूसिस रिलेटिव टू ई एस वाई क्यों रिड्यूस करेगा यानी कि जो भी ड्रॉप्स को आप घटाएंगे ई एस में से तो उससे क्या मिलेगा आपको वी एस ओके देर फोर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीजेस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू शुड रिमेंबर ओके द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीजेज एज द पावर फैक्टर ऑफ द सेकेंडरी बर्डन रिड्यूसिस यानी कि इसका रिवर्स रिलेशनशिप है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बढ़ेगा अगर आपका पावर फैक्टर रिड्यूस होगा क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि पावर फैक्टर रिड्यूस हुआ तो आप उसकी वजह से देख रहे हैं कि आपका ई और ई जो है वो वी और वी के नज़दीक आ गया ई और ई क्या है वी और वी के नज़दीक आ गया और जितना जितना वो क्लोज़ हो रहा है मार्जिन ड्रॉप्स भी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रहे हैं अगर वो ड्रॉप्स क्लोज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका इंक्रीज़ कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिवर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है क्योंकि पावर फैक्टर अगर रिड्यूस हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो इंक्रीज करता है तो ये आपको याद रखना है कि दैट विद द रिडक्शन इन द पावर फैक्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीज बिकॉज ये कंसर्न ध्यान रखिएगा कि आप इरर पे फोकस कर रहे हैं तो इरर किस वजह से बढ़ रही है इन चीज़ों को जहन में रखना है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो आपका इंक्रीज करेगा विद द रिडक्शन इन द पावर फैक्टर सो विद द डिक्रीज इन पावर फैक्टर द वी एस इज एडवांस इन फेज ओके एंड वीपी रिलेट वीपी रिटारी रिटार्ड करेगा रिड्यूस करेगा और वीपी आपका एडवांस करेगा वी एस एडवांस करेगा ओके द फेज एंगल उस केस में क्या है नेगेटिव नेगेटिव होगा बिकॉज नेगेटिव रिड्यूसेस विद द डिक्रीज इन द सेकेंडरी पावर फैक्टर लैगिंग तो अगर लीडिंग है यहां लीडिंग है तो वो पॉजिटिव एंगल के रेफरेंस में जाएगा फेज एंगल और अगर लैगिंग है तो वो नेगेटिव फेज एंगल के रेफरेंस में जाएगा अगर फेज की बात करें बिकॉज दिस सेकंड पैरा इज बेसिकली विद रेफरेंस टू द फेज द फर्स्ट पैरा इज विद रेफरेंस टू द रेशियो एरर तो पावर फैक्टर अगर रिड्यूस करेगा तो रेशियो एरर क्या होगा वो इंक्रीज करेगा लेकिन फेज एंगल के केस में क्या होगा फेज एंगल के केस में ये होगा कि अगर आप पावर फैक्टर को रिड्यूस करेंगे माइंड दिस ये कीवर्ड है

तो यहाँ इस तरीके से ध्यान रखिए कि पावर फैक्टर रिड्यूस तो रेशियो एंगल रेशियो एरर इंक्रीज और अगर पावर फैक्टर जो है वो बेसिकली लैगिंग है ओके okay, तो उस केस में क्या है फेज़ एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा ओके इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट फॉर ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज द फ्लक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी दैट इज़ ए कंसेप्ट ये पहले भी हम जब करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि फ्लक्स जो है वो बेसिकली फ्लक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एफ सो द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी बेसिकली विल लीड टू द रिडक्शन इन द फ्लक्स सो देआर फोर आई एम एंड आई ई आर डिक्रीज ओके अगर फ्रीकवेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आई एम और आई ई आई एम क्या है मैग्नेटाइजिंग कम्पोनेंट आई ई क्या है लॉस कम्पोनेंट किसका नो लोड करेंट का तो अगर फ्रीवेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आई एम और आई ई आपके रिड्यूज़ कर जाएंगे और ये आपके जहन में आप बैठा लीजिए बार बार ये बात लौट के आ रही है कि अगर आई एम और आई ई आपके रिड्यूस हो रहे हैं तो डिक्रीज़ जो है वो आपके इम्पैक्ट करते हैं रेशियो एरर को क्योंकि डिजायरेबल होता है कि आपके आई एम आई कम हो आई नॉट भी कम हो और आई एम आई अगर कम है तो आपकी रेशियो एरर इंप्रूव कर जाती है मतलब कि आपकी वो मेरर एरर मिनिमाइज हो जाती हैं बट यहां पर क्या है कि यहां ये देखा गया है दैट द वोल्टेज रेशियो बेसिकली अगर आई एम आई आर डिक्रीज देन द वोल्टेज रेशियो इट डिक्रीज ऑबली एरर आर रिड्यूसिंग सो द डिक्रीज इज नॉट बट दिस डिक्रीज जो है डिक्रीज तो आता है विच इज डिजायरेबल ऑल्सो इट इज नॉट सो मच दैट विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द लीकेज रिएक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या है लीकेज रिएक्टेंस फिर वो बढ़ जाएगा तो एक तरफ तो आपका वोल्टेज रेशियो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आई एम आई घट रहे हैं जो कि डिजायरेबल है बट इसमें लीकेज रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या है ओमेगा फैक्टर इम्पैक्ट होता है ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा सो लीकेज रिएक्टेंस जो ड्रॉप्स है दैट ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन इंक्रीज इन रेशियो तो एक तरफ घट रहा है और दूसरी तरफ बढ़ रहा है तो वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है इसीलिए इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉमर में ध्यान देने वाली बात है दिस इज अ पॉइंट विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड रिमेम्बर्ड दैट इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इट इज़ डिजायर्ड दैट यू ऑपरेट दैम एट ए रेटेड फ्रीक्वेंसी सो दैट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन शुड नॉट बी मच बट इफ देर इज ए फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन केस ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यू आर सींग दैट वन वे वैन यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी आई एम ई आर आई ई आर रिड्यूसिंग आई एम आई रिड्यूस कर रहे हैं और उससे क्या है? आपका वोल्टेज रेशियो एरर जो डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम लीकेज रिएक्टेंस बढ़ रहा है जो कि अगेन उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा जो रेशियो एरर का दस द चेंज इन वोल्टेज रेशियो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी आर डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ आई ओ एंड आई लीकेज रियक्टेंस को एक तो आई ओ पर डिपेंड करेगा एक लीकेज रिएक्टेंस पर डिपेंड करेगा एंड सिंस दीज इफेक्ट आर प्रोड्यूस बाई दैम अपोज ईच अदर सो दे नलीफाइड द इफेक्ट ऑफ द

ओके दैट इज व्हाट इज वीपी वीपी इज द प्राइमरी वोल्टेज ओके एंड द इंक्रीज इन सेकेंडरी रियक्टेंस आल्सो रिटार्ड्स वीएस तो वीएस को ये रिटार्ड करेगा यानी कि रिड्यूस करेगा देअर द फेज एंगल इज़ इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजेज तो अगर फेज एंगल पे देखें तो वहाँ तो आपने देखा रेशियो एयर में तो वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है क्यों क्योंकि एक तरफ से वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन लीकेज रिएक्टेंस उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे रहा है आई एम आई ई के इफेक्ट को लेकिन फेज एंगल एरर में क्या यह इंक्रीज़ करेगा जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो ये इंक्रीज़ करेगा तो हमने ये देखा कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके पोटेंशियल ट्रांसफॉमर की आगे के लेक्चर में हम इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू द न्यूमेरिकल सो प्लीज़ डू ज्वाइन नेक्स्ट लेक्चर्स रिगार्डिंग द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉमर एज वेल एज ऑन टेस्टिंग थैंक यू वेरी मच